में आपको ऑलमोस्ट कितनी जो है वो सेविंग आ जाती है, 3 से 4 हज़ार। तो ये जो मशीन है आपको कॉस्ट करेगी तकरीबन 2.5 से 3 के दरमियान में। इस कागज को इस तरह मोल्ड करने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वो आपके साथ इंशाल्लाह इस वीडियो में सारी चीजें शेयर करेंगे। बैग में 1600 प्लेट होती है तकरीबन, 1600 प्लेट 1 घंटे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको फिनायत के ब्लॉग में। आज एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इन्फॉर्मेशन है एक कारोबार के हवाले से जो कि बहुत ही छोटी सी जगह पे, जिस जगह पे हम खड़े हैं इतनी सी जगह पे ऑलरेडी जो चल रहा है, उस कारोबार के हवाले से आपके साथ चीजें शेयर करेंगे। उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, वो किस तरह चलता है, और जो सबसे खास चीज इस वीडियो में होने जा रही है वो ये कि इस कारोबार को चलाने वाले ये दो भाई, मुबारक भाई और सलमान भाई, तो जिस काम के हवाले से हम बात कर रहे थे वो काम है ये प्लेट्स बनाने का। प्लेट्स को बनाने के लिए ये कागज तो इस्तेमाल हो ही रहा है, लेकिन इस कागज को इस तरह मोल्ड करने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो मशीन किस तरह की है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उनके हवाले से आपके साथ इंशाल्लाह इस वीडियो में सारी चीजें शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये एक इन्फॉर्मेशन उनके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती है, अगर कोई फील्ड में आना चाहता है तो उसके लिए भी। जैसे कि आजकल आपको पता है क्राइसिस का दौर है, तो आराम से कारोबार बना सकते हैं और चला सकते हैं इंशाल्लाह। तो इनके साथ इनकी मजेदार जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, और मशीन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो सबसे पहले सलमान भाई से पूछते हैं, ये जो मशीन आपको पीछे नजर आ रही है इस कारोबार के हवाले से, ये बनाई है सलमान भाई ने, तो सलमान भाई कुछ बताइए इस मशीन के हवाले से, इस मशीन की क्या क्या खासियत है। अजमल भाई, ये मशीन बेसिकली काफी यूनिक मशीन है। अच्छा, ठीक है, मार्केट में आपको काफी ज्यादा मशीनें मिलेंगी, लोग बना रहे हैं, ठीक है। यानी इसके अलावा भी मार्केट में डिफरेंट किस्म की मशीनें हैं जो ऑपरेट हो रही हैं, लोग बना के दे रहे हैं, लेकिन उनकी और हमारी मशीन में डिफरेंस क्या है, बात यहाँ पे आती है। हमारी उनसे ज्यादा ये है कि जो इसका डिजाइन है वो खुद मैंने डेवलप किया है। जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मेरा भी शौक था कि एक बिजनेस करना चाहिए, तो मैंने मार्केट में रिसर्च की, ठीक है, और मुझे ये काफी बिजनेस पसंद आया। मैंने एक मशीन परचेज की पहले, इसको यूज करना शुरू किया तो मुझे उसमें काफी ज्यादा डिफिकल्टीज पैदा हुई। हाइड्रोलिक जैक की जो पावर थी वो कम थी, मोटर में कुछ इश्यूज थे, जब उसकी हमें डाइया चेंज करनी पड़ती थी तो 2 बंदों की रिक्वायरमेंट होती थी। तो इस तरह की छोटी छोटी डिफिकल्टीज आपका टाइम ले जाती हैं, और बिजनेस में टाइम ही मनी होता है। तो फिर मैंने खुद इस मशीन को अपने नजरिए से मैंने रेडी किया कि जो 2-in-1 है, इसमें प्लेट भी बनाते हैं, इसमें कटिंग होती है, इसका मैकेनिज्म मैंने इतना आसान कर दिया है कि एक सिंगल बंदा, ठीक है, इस मशीन को इजीली ऑपरेट कर सकता है। हमने पार्ट टाइम में बच्चे रखे हुए स्कूल के, वो आते हैं, वो इस मशीन को ऑपरेट कर सकती है। मशीन इतनी आसान है, खवातीन इस मशीन को यूज करके अपने घर से अर्निंग स्टार्ट कर सकती है। लोगों को मसला होता है कि वो मशीन तो ले लेते हैं, उनके पास जगह नहीं होती, तो मैंने मशीन का साइज ही हमारा इस तरह का कि वो इजीली एक घर के अंदर स्टार्ट किया जा सकता है। अजमत भाई, ये मशीन काफी ही सिंपल है, ठीक है, मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। इसकी हमारी मोटर है, ठीक है, हाइड्रोलिक मोटर है ये। लोगों को 3 फेज मीटर लगवाना पड़ता है, लेकिन हमने क्या किया, इसको सिंगल फेज में कन्वर्ट किया हुआ थ्रू इन्वर्टर, ठीक है, तो इसका घर पे बिजली का इतना ना बिल आता है ना महसूस होता है। मशीन में ये लगी हुई है इसकी 2 डाइयां, ठीक है। मशीन के अंदर तकरीबन 5 साइजेस तरह की प्लेटें बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में 5 साइजेस की प्लेट चलती है। एक बिरयानी वाली प्लेट होती है, एक बर्गर वाली प्लेट होती है, एक चिप्स वाली प्लेट होती है, और एक केचप वाली प्लेट होती है। हमारी मशीन में एट अ टाइम 2 डाइयां लग सकती हैं, ठीक है, 2 डाइयों को आप सिंगल टाइम में ऑपरेट कर सकते हैं, और ये मैकेनिज्म आप चेंज भी कर सकते हैं। 2 डाइयां आप दूसरे साइज की लगा लेंगे, वो भी कुछ प्लेटें तैयार होना शुरू हो जाएंगी, और ये भी आप इसमें लगा के इसको यूज कर सकते हैं। हमारे 7.5 साइज की डाई है, और ये हमारे 8.5 साइज की डाई है। अब इन डाइयों की खसूसियत क्या है, बेसिकली जो मार्केट में चल रही होती है वो डाई बनी होती है लोहे की। लोहे की जो लाइफ टाइम होती है ना वो बहुत कम होती है, उसको जंग लग जाता है, वो डाइयां जल्दी खराब हो जाती है। जो हमारी डाई है वो स्टील की डाई है, और इसमें जो हीटर लगे हुए हैं वो स्टील के हीटर लगे हुए हैं। ये लॉन्ग टाइम होते हैं, ठीक है, इसमें हीट की रेजिस्टेंस भी ज्यादा होती है, ये गर्म भी काफी देर तक रहती है, जिसकी वजह से बिजली की जो कंजप्शन होती है वो काफी कम होती है। माशाल्लाह, मशीन के हवाले से सलमान भाई ने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। अब सलमान भी, हमें आपने ये बताना है इनको ऑपरेट कैसे किया जाता है। ये पहले हम मशीन को ऑन कर लेते हैं, ठीक है, ये मशीन का बटन है, यहाँ से बेशक ही हमारी मशीन ऑन हो जाती है।
हमारी मोटर स्टार्ट हो चुकी है, ये इसका मैकेनिज्म लगा हुआ है ठीक है, जो ऑयल पंप करता है। अब इसकी ऑपरेशन जो है वो इतनी सिंपल है कि आपने बस ये जैक ऊपर करना है। देखिए ये जैक ऊपर कर रहा हूँ मैं और ये हमारा ऊपर जा रहा है, इजीली नीचे आ रहा है। यही इस मशीन का सिंपल सा मैकेनिज्म है। माशाल्लाह मशीन के हवाले से सलमान भाई ने हमें काफी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है, यानी ए टू जेड इसके बारे में वो सारा कुछ बता चुके हैं जो उन्होंने सीखा और जो सारा का सारा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। अल्हम्दुलिल्लाह मशीन बहुत ही सिंपल और इजी टू वर्क है, कोई भी न्यू एंट्री जो है इस कारोबार को इजिली जो है वो ऑपरेट कर सकती है इस मशीन को, और मेहनत का फल जो है वो अल्लाह की जात देने वाली है। तुम्हारे पे क्या है? ठीक ठाक है। सो आप ये माशाल्लाह चला रहे हैं मशीन पे डेली बेसिस पे, आप ऑलमोस्ट कितनी प्लेट्स है वो बना लेते हैं? एक घंटे में तकरीबन एक बैग बन जाता है। एक बैग? हाँ जी। बैग में 1600 प्लेट होती है तकरीबन। 1600 प्लेट एक घंटे में। माशाल्लाह आप इसी से अंदाजा लगाइएगा कि ये कारोबार कितना बसी जो है वो इंशाल्लाह चलाया जा सकता है। इसकी डिमांड मार्केट में कैसी चल रही है इस टाइम? जी इस टाइम तो फिलहाल बेहतर है, लेकिन उम्मीद है आइंदा आने वाले वक्त में बेहतर हो जाएगी, और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो क्रॉकरी जो सिस्टम इस्तेमाल करते थे परमानेंट वाला, उससे हट के अब जो है वो डिस्पोजेबल पे आ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से कि जो क्रॉकरी इस्तेमाल करते थे वो ज्यादा लोग पसंद करते थे या इस तरह की चीज जो अब लोग इस पे आ रहे हैं? इस पे आ रहे हैं। परमानेंट क्रॉकरी जिसे संभालना और टूट फूट इसमें बहुत ज्यादा होती थी, उससे ये सस्ता भी पड़ता है मेरे हिसाब से। क्या ख्याल है सलमान भाई? एक सस्ता पड़ता है। तुम भाई भाई आप दिन में एक बैग तैयार करते हैं या कितने? एक बैग नहीं, एक तो घंटे में हो जाता है ना, तो दिन में जितने घंटे तकरीबन आप लगाओगे उसी हिसाब से ये बैग तैयार हो जाएगा। यानी मार्केट में माशाल्लाह इतनी डिमांड है। हाँ जी इतनी। अभी ये एक मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं माशाल्लाह मुबारक भाई, और इनके हिसाब से मार्केट में इतनी डिमांड है कि अगर सारा दिन बल्कि 24 घंटे भी अगर ये काम करें तो ये आगे सप्लाई कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतना प्रॉफिटेबल काम है। और एक बैग में आपको ऑलमोस्ट कितनी जो है वो सेविंग आ जाती है, अगर एक बैग की बात करें एक घंटे के हिसाब से सिंगल पर्सन? एक बैग का तो कोई हिसाब नहीं है तकरीबन, यानी वन डे का लगा रहे हैं आप? हाँ जी एक दिन में 3 से 4 हज़ार रुपए तक तकरीबन। 3 से 4 हज़ार रुपए को भी फिलहाल मैं 10-10 घंटे की ड्यूटी दे रहा हूँ। इसके लिए आपने कोई हेल्पर रखा हुआ है या आप खुद? नहीं मैं खुद ही चला रहा हूँ। सिंगल पर्सन? हाँ जी। इजीली हैंडल कर सकता है ये? बिल्कुल बहुत आसान है, तो इसलिए खुद ही सब काम, यानी कटर वगैरह सब कुछ गट्टा काटना सब कुछ मैं खुद ही कर रहा हूँ माशाल्लाह। अब इस मशीन के ऊपर जो काम होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि किन किन प्रोसेस से गुजर के एक पेपर जो है वो प्लेट की शक्ल बन जाती है। मुबारक भाई हमें आप ये चीजें दिखाएं कि कैसे पेपर कटिंग होगा और कैसे उसकी जो है मोल्डिंग होगी प्लेट। काफी सारा पेपर जो मुबारक भाई को जरूरत था उन्होंने कट करके रखा हुआ है, लेकिन हमारे पुरजोर फरमाइश और आपको दिखाने के लिए मुबारक भाई से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने थोड़ा सा पेपर जो है थोड़ा पेपर जो है वो कटिंग करने के लिए रखा है। मुबारक भाई एक टाइम में कितना पेपर आप जो है इस पे कट कर सकते हैं? ये कटर है ना, कटर में आ जाएगा ना, ठीक है आप अपना कटर आ सकते हैं, तो इसकी ये मोटाई देख सकते हैं इसमें इतना पेपर आ सकता है। कोशिश यही करनी है कि जितना वेस्ट कम हो ना आपसे उतना ही कर। और मार्केट से जो पेपर मिलता है ये वाला? हाँ जी। ये फिक्स साइज होता है इसका या मुख्तलिफ साइज? इसके मुख्तलिफ साइज होते हैं, आपने जब परचेज करना ना। हाँ जी। तो आपने देख के करना कि आपको किस यानी साइज की जरूरत है। पेपर जो है वो कट हो गया, कितना आसान सिस्टम है पेपर कटिंग का, अपनी जरूरत के हिसाब से आप जो है वो पेपर की कटिंग कर सकते हैं। वैसे मुबारक भाई आप प्लेट्स की कटिंग के लिए किस साइज का पेपर जो है वो यूज कर रहे हैं? हम इसका जो मोटाई है ना तो वो उसकी ग्रामी है 210 ग्राम की। 200 ग्राम जो इसकी यानी पमाइश है गत्ते की, वो हमें यानी कि हम लेते हैं जितना सस्ता हो सके, तो उसी हिसाब से वो जब देखते हैं इतनी प्लेटें इसमें निकल आएंगी वो ले लेते हैं। तो जब बंदा कारोबार में पड़ता है तो इस तरह की चीजें जो है कैसे होती जाती हैं और उसी हिसाब से बंदा यूज करता है जिसमें कम से कम जो है वो पेपर लॉस हो, वही साइज जो है वो उठाते हैं मार्केट से। ये इसकी हीट है? हीट? हाँ जी। ये सेट की हुई है हमने? कितना टेम्परेचर सेट किया हुआ? हमने 150 किया हुआ। तो प्लेट्स बनाने के लिए मशीन को ऑन कर लिया और मशीन में सबसे पहले ऑन किए जाएंगे ये हीटर। इनकी गर्मी जो है अभी से महसूस होना शुरू हो गई है, सिर्फ 5 से 10 सेकंड हुए हैं इसको ऑन किए हुए। तो यहाँ से ये हो गया, मशीन ऑन करने के बाद ये वो पेपर है जिसकी प्लेट्स बनेगी। पेपर कटिंग करके यहाँ पे रखा हुआ है और इसको अब डाई में जो है फिक्स करने का तरीका कार है, बहुत ही आसान है। ये आ गया इसमें, ये प्रेस करें, ये 10 प्लेट है। और यहाँ पे अब मतलब ये हीट की वजह से जो है वो अपनी शेप पकड़ रही है? हाँ जी अपनी शेप पकड़ कर ये इसे उधर ही फिक्स कर देगी। तो टाइम देना सिर्फ 5 से 6 सेकंड का, ये देखें बिल्कुल तैयार। और अगर साथ ही दूसरी टाइम में भी इसी तरह पेपर होता तो उससे? हाँ भी इस
यानी एक टाइम में ना 10 प्लेटें इधर बनती हैं, 10 उधर बनती हैं। तो आपने देखा बहुत ही आराम से प्लेट्स जो है माशाल्लाह तैयार हो गई हैं। मुबारक भाई ने सिर्फ एक डाई में जो पेपर रखे थे 10 पेपर और 10 की 10 जो है वो प्लेटें 5 सेकंड में तैयार होकर बाहर आ गई हैं। मुबारक भाई आपने यही मशीन इस्तेमाल किया या इससे पहले भी कोई मशीन इस्तेमाल की? इससे पहले मैंने मशीन इस्तेमाल की थी लेकिन उसमें ना ये मसला था कि उसकी ना ये डाई सारा खोल के दोबारा चेंज करना पड़ता था, उसमें टाइम ज्यादा। डाई मतलब कटिंग के लिए या किस? ये कटिंग के लिए दो अलग अलग मशीनें थी। सही, तो अब ये एक ही मशीन पर यानी दोनों 2-in-1 हो गया तो इसमें टाइम की बचत हो जाती है। और पहले जो मशीन थी उसमें 5 प्लेटें इसमें बनती थी तो अब इसमें 10 प्लेटें बन रही हैं, यानी कि टाइम की और भी ज्यादा बचत हो रही है। ये सब तो हो गए फीचर इस मशीन के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजेदार मुझे भी लगी ये मशीन और ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसका वो बहुत इजी है, यानी कोई भी नया बंदा बहुत इजीली इसको जो है वो रन कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं सलमान भाई से इस मशीन के रेट की। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात है कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, ठीक है, हर चीज का रेट ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये जो मशीन है आपको कॉस्ट करेगी तकरीबन 2.5 से 3.5 के दरमियान में। और जो लोग अजमत भाई के फॉलोअर्स हैं जो हमसे रब्ता करेंगे इन वीडियो के थ्रू, इंशाल्लाह हम उसको और ज्यादा इसमें डिस्काउंट जरूर अवेलेबल करवाएंगे। तो जो हजरात इस कारोबार से मुंसलिक होना चाहते हैं वो जरूर 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 सलमान भाई से जो है रब्ता कीजिएगा। और रब्ता करने के लिए ये नंबर उनका जो है वो सामने हाईलाइट हो रहा है। लोग क्या करते हैं कि एक बार मशीन बेच देते हैं और अपनी जान छुड़वाते हैं, हम ऐसा नहीं करते, ठीक है। जो हमसे मशीन की डील करता, जो हमसे मशीन लेगा, हम उसको मशीन चलाना, ठीक है, इसके सारे मैकेनिज्म, ठीक है, कैसे इसका प्रेशर ऑपरेट करना है, किस तरह अगर इसमें कोई हल्की से फॉल्ट आ जाए वो किस तरह ठीक करना है, तो पूरा हम सिखाते हैं कि कैसे मशीन चलानी, मार्केट में उसे किस तरह अपना नाम बनाना है, किस तरह उसे चीज़ों को डील करना है। हम जो इसका रॉ मटेरियल है उसका भी उसको सोर्स प्रोवाइड करते हैं कि उसको मार्केट से कम रेट पे क्या मिले, रॉ मटेरियल मिले, जिससे उसके बिजनेस को बूस्ट मिले। जो स्टार्ट में एक बंदे को बूस्ट चाहिए होता है तो वो मिलता ही इस तरीके से कि जब चीज़ें उसको सस्ती मिलती है, जो एक डायरेक्शन मिलती है, हम उसको पूरा का पूरा बिजनेस सेट करके देंगे, खाली मशीन ही बेचेंगे। और अगर आप चाह रहे हैं सिर्फ प्लेट्स खरीदना, आपको जरूरत है फंक्शन पार्टी वगैरह के लिए, तो मुबारक भाई से आप रब्ता कर सकते हैं। मुबारक भाई कोई कार्ड वगैरह आपका? ये कार्ड मैंने बनवाया, किसी भाई को जरूरत हो तो उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये था एक बहुत ही मज़ेदार सा और सस्ता सा बिजनेस आइडिया। अगर आपको ये आइडिया पसंद आता है अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपके इस शेयरिंग से हो सकता है किसी का रोज़गार जो है वो चल जाए। तो किसी के रोज़गार के लिए इसको जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।